हिमांशु अदालत द्वारका कोर्ट में इस समय पहुंच चुके हैं, वहां पर मौजूद हैं। और हिमांशु, यही बात जो हम संजय से लगातार बार बार समझना चाहते हैं, कांग्रेस इसे कह रही है कि कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एफआईआर किन्हीं और ही धाराओं में, एफआईआर में कहीं ये है ही नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है, तो फिर कैसे डिफेंड कर पाएगी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस? अब आप बताइए हिमांशु कि यहां जमानत के लिए क्या तर्क असम पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या एफआईआर है और वो एफआईआर कितनी खतरनाक है और उसमें कितनी इस बात की संभावना कि पवन खेड़ा को पुलिस, असम पुलिस को अदालत सौंप दे रिमांड के लिए? देखिए, जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें 120 बी, 153 ए, ये सारी धाराएं लगाई गई हैं, यानी कि किसी तरीके से सौहार्द बिगाड़ने की बात, कुल मिलाकर के इसके आसपास की ये धाराएं पवन खेड़ा के खिलाफ लगाई गई हैं। और ऐसे मामले में काफी हद तक जो होता है वो शुरुआती जो केस होता है वो इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद जो एविडेंसेस रहते हैं उनके आधार पे रहता है। तो देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा सही कि जब पुलिस, असम पुलिस कोर्ट में पहुंचती है लेकर के पवन खेड़ा को, तो किस तरीके से वो अपने कोर्ट को प्रेजेंट करती है, क्योंकि यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस इस चीज को लेकर के लगातार विरोध करती रही है। एयरपोर्ट पे आप देखिए, एयरपोर्ट पे क्या हुआ, जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है और रोकती है पवन खेड़ा को, तो वहां से लगातार उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, लेकिन उस वक्त दिल्ली पुलिस के पास कुछ नहीं था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनके पास रिक्वेस्ट आई थी दूसरे स्टेट की पुलिस की, उसके बाद असम पुलिस आती है और असम पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी डिटेल दिल्ली पुलिस से शेयर करती है और केस के आईओ यहां पहुंचते हैं और उसके बाद गिरफ्तारी की जाती है। जो पालम थाना है, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट का पालम थाना है, वहां पर, क्योंकि वही कोर्ट से उनको बाहर लाया जाता है एयरपोर्ट से, और वहीं पर एफआईआर दर्ज की जाती है। सुरजेवाला जो कि कांग्रेस नेता है वो बाहर निकलते हैं और साथ साथ फिर पवन खेड़ा बाहर निकलते हैं और पवन खेड़ा को फिर पूरी सिक्योरिटी में पुलिस की टीम लेकर के निकल जाती है और उन्हें कोर्ट के लिए लेके जाया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि कितनी देर में पुलिस की टीम यहां पर पहुंचती है और किस तरीके की दलीलें यहां पर कोर्ट के सामने रख पाती है पुलिस, किस तरीके से जो धाराएं पुलिस ने लगाई हैं उनको वो उनके उनसे जुड़ी सबूत पुलिस कोर्ट के सामने रखती है। जी सही, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने, संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट से हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ दिल्ली की द्वारका अदालत से मौजूद हैं। लेकिन इस बीच हम आपको खबर ये बता दें कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को आज बस सबसे कुछ घंटे पहले दिल्ली एयरपोर्ट से रायपुर जाने वाले विमान से उतार लिया गया है और ये कार्रवाई की है असम की पुलिस ने, क्योंकि असम में एक एफआईआर दर्ज हुई है पवन खेड़ा के खिलाफ जिसमें पवन खेड़ा पर बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कि माहौल को खराब करना, दो समुदायों में दूरी पैदा करने के लिए इस तरह के बयान देना और देश की छवि को खराब करना, ये भी है।